आज हम इन दो कलरों की उल से और नीडल ली है, यहाँ पर हमने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए 2-2 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं, एक्स्ट्रा मैंने कोई भी फंदा नहीं लिया। तो डबल नीडल करके आप फंदे डालिए, फंदे डाल के एक नीडल को ऐसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2-2 के मल्टीपल में फंदे डालिए। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी सिलाई। पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए वो आपके ऊपर, आपकी मर्जी। पहला फंदा मैंने उतारा, अगले फंदे को मैंने उल्टा बनाया। एक फंदा उतारा, एक उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे ही स्किप करेंगे, स्लिप करके धागा अपनी ओर करके एक उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को ऐसे ही स्किप करेंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको बगैर बुने ऐसे ही स्लिप करेंगे, धागा अपनी ओर, एक उल्टा, धागा पीछे, इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे बगैर बुना, इसको उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये डिज़ाइन की हमने यहाँ पर पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आई हैं हम यहाँ पर अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, एक फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी ओर बगैर बुना उतार के। अब इकट्ठे दो फंदों से हम देखिए किस तरह से इन दो फंदों को बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, अब धागा लपेटेंगे, दूसरा फंदा बना, फिर से उल्टा बनाएंगे, फिर से इस दो में से एक फंदा उतार के इसको उल्टा बनाएंगे इस तरह से। तो ये दो फंदे से हमारी यहाँ पर देखिए 4 फंदे बने हैं। अगले दो फंदे फिर से इसी तरह से दोनों को इकट्ठा उल्टा, एक फंदा धागा घुमाया, दूसरा फंदा, फिर से एक बार दोनों में से उल्टा फंदा बना के, अब जो ये फर्स्ट वाला फंदा है इसको सिर्फ एक फंदे को ऐसे गिरा देंगे, एक फंदा फिर से उल्टा, यानी कि 2 से 4 फंदे हम दूसरी सिलाई और उल्टी सिलाई में हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से 2 का 1 उल्टा, धागा लपेटा, दूसरा फंदा, फिर से एक बार फिर से उल्टा फंदा, तीसरा फंदा, ये भी 2 फंदे हैं। अब ये इनमें से एक को गिरा देंगे और इसको हम उल्टा ही एक बार फिर से बनाएंगे। 2 इकट्ठे उल्टा, धागा लपेटा, दूसरा फंदा, फिर से बनाया उल्टा फंदा, ये तीसरा, और अब इस एक को गिरा के और इसको फिर से हम अकेले को उल्टा बनाएंगे। अगले 2 फंदे फिर से इसी तरह से, दोनों इकट्ठे उल्टे, धागा लपेटा, फिर से एक बार दो में से इकट्ठा उल्टा एक फंदा। अब इन दो में से 2 फंदे हैं तो इस एक को ऐसे निकाल देंगे, अकेला बचा है इसको भी उल्टा ही बनाएंगे। अब फिर से इकट्ठे 2 फंदे उल्टे, धागा लपेटा, दूसरा फंदा, फिर से बनाया तीसरा फंदा, अब इसको गिरा देंगे, इसमें से अकेले में से एक उल्टा फंदा बना लेंगे। अगले 2 फंदे फिर से इकट्ठे उल्टे, एक बार धागा लपेटा, फिर से इस तरह से उल्टा, फिर से इसको एक के गिरा के एक फंदे को फिर से उल्टा, लास्ट वाले को धागा पीछे करके सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट किया। तो अब आ गए हैं डिज़ाइन की तीसरी सिलाई और सीधी सिलाई। पहले फंदे को उतारेंगे इस तरह से, पहला फंदा उतार के धागा अपनी ओर, यहाँ पर देखिए एक उल्टा, उल्टा बनाया, धागा पीछे। अब जो ये 3 फंदे हैं इकट्ठे, इनको बैक लूप से सीधा बनाएंगे।
धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इन तीनों को इकट्ठों को इस तरह से सीधा बनाएंगे। ये हमारे दूसरी सिलाई में दो से चार बने थे, अब वही चीज़ दो के दो हो गई। हाँ, हमारे धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इन तीन फंदों को इकट्ठा बैक लूप से सीधा ही बनाएंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। तीन फंदे जो ये इकट्ठे हैं, इनको सीधा बैक लूप से। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, बैक लूप से। यहाँ पर तीन का एक सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीनों का इकट्ठा बैक लूप से सीधा फंदा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन फंदों का इकट्ठा बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे। इस तरह से लास्ट वाले को अकेला उल्टा फंदा। तो ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखी, तीसरी सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। डिज़ाइन की चौथी सिलाई, चौथी सिलाई को किस तरह से बनाएंगे हम, इसको हम एक फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। धागा अपनी ओर, एक फंदा ऐसे ही हमने उतारा, उल्टे फंदे को भी ऐसे ही हम उतार लेंगे। इस तरह से उल्टा फंदा उतारा, धागा पीछे किया, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर, उल्टे फंदे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे, सीधे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उतारेंगे, धागा पीछे, सीधे को हम बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे, सीधे को हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को बगैर बुना उतारेंगे, धागा पीछे, सीधे को सीधा बनाएंगे, उल्टे को बगैर बुना ऐसे ही उतारेंगे, सीधे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को ऐसे ही उतारेंगे, सीधे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, लास्ट वाले को उल्टा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर ध्यान से देखिए चौथी सिलाई को उल्टी साइड से बना के कंप्लीट किया। तो ये देखिए चार सिलाई में इस तरह से डिज़ाइन आया। तो पांचवी सिलाई किस तरह से हमने बनानी है, पांचवी सिलाई को हमने यहाँ पर देखिए सेकंड कलर हम अटैच करेंगे इस तरह से, सीधा बनाएंगे एक फंदा। पांचवी सिलाई है हमारी सीधी सिलाई है, और जो ये उल्टा फंदा है, धागा अपनी ओर करके इस फंदे को हम उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा अपनी ओर, सीधे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को ऐसे ही उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को उतारेंगे, यानी कि स्किप करेंगे, उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा बनाना है, जो उल्टा फंदा है, धागा पीछे, जो ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे ही उतारेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को स्किप करेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, इसको स्किप करेंगे, धागा अपनी ओर, उल्टे को उल्टा, लास्ट को वाले को उल्टा। तो ये हमने यहाँ पर पांचवी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिज़ाइन की छठी सिलाई, छठी सिलाई हमने किस तरह से बनानी है, पहले फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी ओर। अब फिर से इन दो फंदों के हमने चार बनाने हैं, तो एक बार ये दो का एक उल्टा, धागा लपेटा, दूसरा फंदा, फिर से बनाया तीसरा फंदा, और इस वाइट वाले को अब गिरा देंगे, अब इसको अकेला उल्टा। तो दो फंदे से चार फंदे बन गए, अगले दो फंदे फिर से इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। तो दो का एक उल्टा बनाएंगे,
धागा लपेटेंगे दूसरा, फिर से दो का एक उल्टा, तीसरा फंदा। अब जो ये वाइट वाला है इसको हम गिरा देंगे, अब ये अकेला है इसको उल्टा, फिर से दो का एक उल्टा, धागा लपेटा दूसरा फंदा, फिर से एक बार बनाएंगे दो का एक उल्टा, फिर से वाइट वाले को गिरा के इसको उल्टा, फिर से अगले दो फंदे उल्टे, यानी कि दो से चार फंदे हमने यहाँ पर बनाने हैं। अब इस वाइट वाले को हम गिरा देंगे, इसको निकाल देंगे, इसको उल्टा, फिर से अगले दो फंदे हम इसी तरह से दो का एक उल्टा, धागा लपेटा दूसरा फंदा, फिर से बनाया तीसरा फंदा, वाइट वाले को निकाल देंगे, इसको उल्टा, फिर से अगले दो फंदे इकट्ठे उल्टे, धागा लपेटा दूसरा फंदा, फिर से बनाया तीसरा फंदा, फिर से वाइट वाला गिराया और इसको बनाइए चौथा फंदा। यानी कि दो से हमने चार फंदे बनाने हैं इस तरह से। इस वाइट वाले को फिर से गिराएंगे, इस अकेले को उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर देखिए छठी सिलाई को बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। डिज़ाइन की सातवीं सिलाई है हमारी, और यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर सीधी सिलाई, सातवीं सिलाई को किस तरह से बनाना है हमने, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। एक फंदा उतारा, ये वाला धागा अपनी ओर किया, जो ये एक फंदा ये उल्टा है इसको हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये तीन को हम इकट्ठा, तीन का एक बनाएंगे, धागा अपनी ओर एक उल्टा बनेगा, धागा पीछे, तीन का एक सीधा फंदा फिर से बनेगा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, जो ये चार फंदे हैं इनमें से तीन का एक, यानी कि दो के दो फंदे फिर से हमारे हो गए हैं। जैसे चार फंदे हैं, धागा अपनी ओर करेंगे, चार के दो करने हैं तो एक फंदे को उल्टा बना लेंगे, इन तीनों को इकट्ठा हम दो का, यानी कि तीनों का इकट्ठा एक बना लेंगे, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागा पीछे, तीन का इकट्ठा सीधा फंदा, धागा अपनी ओर एक उल्टा, धागा पीछे, तीन का इकट्ठा सीधा फंदा, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, तीन का इकट्ठा एक सीधा फंदा, लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये सातवीं सिलाई को हमने इस तरह से सीधी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए आठवीं सिलाई, पहले फंदे को तो हम इस तरह से उतारेंगे, पहला फंदा उतारा ये उल्टा है, उल्टे को हम उल्टा ही, उल्टे को हम उतारेंगे इस तरह से, धागा पीछे करेंगे, सीधे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी ओर उल्टे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे को सीधा बनाना, धागा अपनी ओर उल्टे को उल्टा, धागा पीछे, सीधे को सीधा बनाना, धागा अपनी ओर उल्टे को सीधे को सीधा बनाया, धागा अपनी ओर उल्टे को उतारना है, धागा पीछे, सीधे को बनाना है, धागा अपनी ओर उल्टे को उतारना है, सीधे को बनाना है, धागा अपनी ओर उल्टे को बगैर बुने उतारना है, सीधे को सीधा ही बनाना है, उल्टे को ऐसे ही स्किप करना है बगैर बुने, इसको सीधे को सीधा बनाना है, धागा अपनी ओर उल्टे को ऐसे ही उतारना है, सीधे को सीधा बनाना है, धागा अपनी ओर उल्टे को उल्टा बनाना है, धागा उल्टे को सॉरी उल्टे को ऐसा ही उतारना है, सीधे को सीधा बनाना है, लास्ट वाले को भी सीधा। तो ये हमने लास्ट सिलाई आठवीं सिलाई को बना के उल्टी साइड से कंप्लीट किया। तो देखिए आठ सिलाई में ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से हमारा
बनता हुआ आया है। तो अगर हम इन्हें आठ आठ सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हैं, सिलाई का डिजाइन है और आठ सिलाई में ये हमारा कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन्हें आठ आठ सिलाइयों को मैंने बार बार रिपीट किया है तो फाइनल लुक डिज़ाइन का कुछ इस तरह से हमारा बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिज़ाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।